बादलों पर बैठकर किताब पढ़ता एक नौजवान। चमकते साइन बोर्ड वाले बारिश से भीगे शहर में सड़क पर टहलती एक युवती। इन दोनों फुटेज में कुछ भी असली नहीं है। ये चैट जीपीटी की मालिक कंपनी ओपन एआई की तरफ से पेश किए गए सैंपल वीडियो हैं। चंद शब्दों में अपनी इच्छा बताइए, जरा सा समझाइए और सोरा आपके लिए बना देगा एकदम असली इंसानों के साथ फिल्म सीन। बारीक डिटेल वाले लैंडस्केप और बिल्कुल असली लगने वाले जानवर। यही नहीं, ये इतिहास से जुड़ी फुटेज भी जनरेट कर सकता है। पहली नजर में तो पहचानना असंभव है कि ये असली है या नकली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफेसर यान क्लास फॉन ट्रीक चेतावनी देते हैं कि फोटो, ऑडियो और अब वीडियो भी भरोसे के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो क्या मैं अब भी मीडिया पर भरोसा कर सकता हूँ, उसके सभी रूपों में? क्या इसका भरोसे से कोई संबंध है? जैसे जैसे एआई ज्यादा बेहतर होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए ये जानना मुश्किल होगा कि हमने जो देखा वो असली था या नहीं। तकनीक की दुनिया की दूसरी दिग्गज कंपनियों जैसे गूगल ने भी एआई वीडियो विकसित किए हैं, यानी संभावनाओं और परेशानियों का एक नया दरवाजा खुल गया है। एक बड़ी क्रांति होगी, सामाजिक उथल पुथल, क्योंकि बाकी चीजों के साथ ही नौकरियां भी जाएंगी। वीडियो प्रोड्यूसर, कैमरा पर्सन, ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेशन कंपनियां, इनसे जुड़ी नौकरियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं या फिर जबरदस्त बदलाव से गुजरेंगी। बहुत जल्द सिर्फ एक कमांड के जरिए लुप्त हो चुके प्राणी भी सजीव हो उठेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है इस ताकत के दुरुपयोग का। एआई से बनाई गई सामग्री न्यूज एंकरों के जरिए प्रसारित करने का काम शुरू हो चुका है। सोचिए तब क्या होगा जब कोई भी फेक वीडियो बना सकेगा। फिर कौन सी सूचना भरोसे की लायक रह जाएगी? क्या इंटरनेट डीप फेक से भर जाएगा? जनमत पर इसका क्या असर होगा? ये कुछ सवाल हैं जो इस चुनावी साल में अहम हैं। प्रोफेसर यूडिथ जीमोन के मुताबिक इस क्रांति को शुरू हुए तो काफी वक्त बीत चुका है। जीमोन आईटी क्षेत्र में एथिक्स यानी नैतिकता पर रिसर्च करती हैं और जर्मन एथिक्स काउंसिल की सदस्य हैं। डीप फेक का इस्तेमाल पहले से ही प्रोपेगेंडा और हेराफेरी के लिए हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। हेराफेरी और प्रोपेगेंडा तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन बदलाव ये है कि अब ये कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे टूल होंगे जिनसे वो ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो जनमत को भ्रमित करे, और मुझे इसी की चिंता है। तकनीक के बेहतर होने के साथ ही ये पता करना मुश्किल होगा कि सच क्या है और झूठ क्या। यहाँ तक कि ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन कह चुके हैं कि उन्हें चुनावों में एआई के इस्तेमाल को लेकर चिंता है। अब तक उन्होंने सोरा केवल कुछ चुने हुए टेस्टरों को ही दिया है। ये नया सॉफ्टवेयर आम जनता के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे नियमों की जरूरत है। ये ऐसा है जैसे भानुमति का पिटारा खुल गया हो। तकनीक बाजार में है, इसके इस्तेमाल के आधार पर इसे रोकना, हटाना और चीजें सुधारना मुमकिन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से बैन तो सही नहीं होगा। एआई वीडियो पर लेबल लगाना एक तरीका हो सकता है। हैम्बर्ग के HAW साइंस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एआई वीडियो सामग्री के लिए वाटरमार्क बनाए हैं, लेकिन इनमें हेर फेर किया ही जा सकता है। ये जरूरी है, लेकिन वाटरमार्क तकनीक की कार्ड ढूंढने की होड़ लग जाएगी। ये वायरस स्कैनर जैसी स्थिति है। वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं, तो वायरस स्कैनर को भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर होना होगा। और ये फेक सामग्री का पता लगाने के जैसा है, जैसे रेस चल रही है। अपनी पसंद की दुनिया रच लेना, ये एआई क्रांति का अगला बड़ा कदम है। अद्भुत भी है और डरावना भी कि ये तस्वीरें नकली हैं। सोरा अभी उपलब्ध नहीं है, इसमें कुछ तकनीकी कमियां हैं और फिलहाल इससे एक मिनट के ही वीडियो बनाए जा सकते हैं। बस चंद क्लिक में अविश्वसनीय संभावनाएं समाई हैं, लेकिन ये तकनीकी विकास हमें कहां ले जाएगा?
इसके सामाजिक असर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और नियमों की जरूरत है, वरना हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे होंगे जहां किसी भी बात का भरोसा करना मुमकिन नहीं होगा।